पिछले वीडियो में मैं आपको कैप्सूल के टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया है कि हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन की कैप्सूल होती हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें कैसे कैसे प्लास्टिसाइजर यूज़ होते हैं, वो सब उसमें आ चुका है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिफरेंट साइज ऑफ कैप्सूल्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्ज़ाम में एक्सटर्नल में भी इंटरनल में भी दोनों में आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि डिफरेंट साइज ऑफ कैप्सूल्स। सबसे पहले आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पे 6000। ये लिखा गया है यहाँ पे 0025, ये इसका साइज है 0000। सबसे बड़ा साइज जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सबसे बड़ा साइज जो होता है वो 0000 है, और जो सबसे छोटा साइज होता है वो होता है 5। यहाँ पे उल्टा चलता है, 0000 साइज जो है वो सबसे बड़ा साइज होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए, और सबसे जो छोटा साइज है वो है 5। ये किसके अकॉर्डिंग है? आईपी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि जो 0000 साइज की कैप्सूल्स होती हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होती हैं, वो सबसे लार्जेस्ट होती हैं, और जो 5 नंबर की कैप्सूल्स होती हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, वो सबसे स्मॉल होती हैं। जैसे यहाँ पे साइज आप देख रहे हो कि 0000 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा साइज है 0000 का, फिर घटते घटते सबसे छोटा साइज जो है वो 5 का है। ठीक, अब इनका साइज से क्या लेना देना, ये चीज़ है कि कैप्सूल तो ये भी है, कैप्सूल ये भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये जो कैप्सूल शेल है इसके अंदर आपको आपका जितना मटेरियल आ रहा है वो इस कैप्सूल शेल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, तो इसलिए जो डिफरेंट डिफरेंट साइज की कैप्सूल शेल बनाई होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए बनाई होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप साइज की कैप्सूल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इनकी कैपेसिटी होती है 600 mg हाईएस्ट, 30 mg लोएस्ट, मीन्स इस वाले साइज में आपका 600 mg के बराबर मटेरियल आ सकता है, और जो लास्ट वाली है आपकी 5 नंबर की कैप्सूल उसमें 30 mg तक आ सकता है। तो बेसिकली इसमें आपको ये पढ़ना है कि साइज, सबसे पहले तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इसके साइज का डायग्राम बनाओगे, देन उसके बाद इसकी कैपेसिटी आप डिस्क्राइब करोगे कि कैपेसिटी का लेवल कितना है, हाईएस्ट में कितना है, लोएस्ट में कितना है, देन उसके बाद इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है वो आपको इसमें लिखनी है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के जैसा नहीं होता है, कि उसमें अलग अलग साइज, मीन्स उसमें कैप और बॉडी होती है, इसलिए उसमें जो साइज है वो 0000 से 5 तक आता है। बट सॉफ्ट जिलेटिन के केस में क्या होता है कि इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है कैप्सूल, यहाँ पर डिफरेंस आता है, जैसे कि कोई हो जाएगी ओब्लॉन्ग शेप की, कोई हो जाएगी ओवल शेप की, कोई हो जाएगी ट्यूब शेप की, मिसलेनियस मीन्स, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होती हैं, जो बेसिकली ओब्लॉन्ग, ओवल, ट्यूब और आपका रॉड शेप में भी कोई कोई आती हैं, कोई कोई आपकी कैप्सूल जो आई कैप्सूल आपने देखा होगा इस टाइप से आती हैं। ठीक है, ये अभी तो नहीं यूज़ होती है बट पहले यूज़ हुआ करती थी ये आई प्रिपरेशंस के लिए, सिंगल यूज़ के लिए होती थी कि आप यहाँ से इसकी सील तोड़ते थे, अपना प्रिपरेशन आई में डालते थे,
लेकिन इसको दोबारा यूज़ करने में ये टॉक्सिक हो सकती है, तो ये सिंगल यूज़ के लिए होती है। सो बेसिकली जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होती हैं वो शेप के अकॉर्डिंग ब्राई करती हैं, ना कि उनका साइज़ अलग अलग होता है, वो शेप अलग अलग होता है, कोई ओब्लॉन्ग शेप की होती हैं, कोई ओवल शेप की होती है, कोई ट्यूब शेप की होती हैं। सो बेसिकली जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसमें से आप उसके नोट्स कॉपी कर लेना, और सिर्फ यहाँ पे ये समझाने के लिए है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के साइज़ में कैसे डिफरेंस होता है। ठीक।